Hi everyone, welcome and welcome back on my YouTube channel. Hope you guys are all doing well. In today's video, I'm gonna review on a product जो मैंने अभी recently buy किया है. और this is not a review video, it's only a unboxing video जो हम साथ में देखेंगे कि ये कैसा work कर रहा है कि नहीं कर रहा है. I have watched many videos on this product, so मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे try करूँ. और मैंने कुछ साल पहले से इसका foundation use किया हुआ है इस brand का, तो मैंने सोचा कि जो भी शेड मैंने ऑर्डर किए हैं और जो नहीं भी किए हैं तो उसका हम इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कैसा वर्किंग है और नहीं. इसका मैंने बहुत ढेर सारे रील्स और शॉर्ट्स देखे हुए हैं इस ब्रांड के, सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि अब ये नया प्रोडक्ट तो है नहीं, बट ये है कि हमने इसे ट्राई नहीं किया तो, और मैंने इसे मंगाया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना लो है सेपरेट सा, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स ड्राइव इनटू इट. हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द राइट बटन. सो लेट्स ड्राइव इनटू इट. सो मैंने इसका एक ऑलरेडी शॉर्ट डाल रखा है अनबॉक्सिंग का, तो यू कैन सी देयर. और हम इसे अनबॉक्स तो कर ही चुके हैं, सो बट मैंने इसकी अभी पैकेजिंग जैसे ये आता है अभी उसको नहीं रिमूव किया है, लाइक इसके ऊपर है उसको मैंने नहीं हटाया है. और इसका शेड है 317 आमंड करके इसका शेड नंबर है. मैंने इसको डार्क मंगाया क्योंकि मुझे इसे कंसीलर के लिए यूज़ करना है. इसमें और दो शेड्स अवेलेबल हैं 312, 312 एंड 314, वो शायद लाइट शेड्स हैं तो इसलिए मैंने नहीं मंगाया उन्हें. और मैंने ये 317 शेड जो था लॉरियल का, मैंने ये मंगाया है. इसका नाम है लॉरियल इनफेलेबल फुल कवरेज कंसीलर, फुल वियर कंसीलर. तो आया है तो हम देखते हैं कैसा कवरेज देता है और कैसा है ये. सो लेट्स मैं इसे पहले अनरैप करती हूँ, इसे उसको हटाती हूँ मैं. का पैकेजिंग है यू कैन सी. और ये सिर्फ इसी प्लास्टिक के ही कवर में आया है और नथिंग एल्स, इसका कोई कर्टन नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही रिसीव हुआ है. सो लेट्स खोलते हैं इसे फिर. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी हैवी अमाउंट भी मिल रहा है, मतलब और नॉर्मल जो कंसीलर होते हैं उनके पैर जो डिब्बे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और ये काफ़ी बड़ा भी है. और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी अच्छा है. सो लेट्स ट्राई करते हैं कैसा है. डायरेक्ट इसे अप्लाई कर रही हूँ, फुल कवरेज है और फुल वियर है, तो लेट्स मैं पूरे फेस में लगा के देखती हूँ कि कैसा कंसील कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ डॉट्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उसे हाइड करना चाहती हूँ. सो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और एक ही बार अप्लाई करूँगी और देखा जाएगा कि कैसा ये वर्क कर रहा है. सो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ. आप एक साइड ही मैं लगाऊंगी इसे हल्का सा. सो मैंने अप्लाई कर लिया है और लेट्स सी कि ये फुल कवरेज है या नहीं है. और मैं एक साइड ही इसे अप्लाई कर रही हूँ कि हम डिफरेंस देख सकें कि कैसा डिफरेंस आएगा. यू कैन सी कि ये फुल कवरेज है बिल्कुल, और इसने बिल्कुल मेरे फेस को कवर कर लिया है, जो मेरे डॉट्स हैं हल्के विजिबल है वो. और चीज़ें आप समझ सकते हो कैसे दिख रही है, वैसे ही है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो मुझे डिफरेंस काफ़ी नज़र आ रहा है. ये काफ़ी अच्छा फुल कवरेज है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगाने पे ही वो पूरे फेस को कवर कर ले रहा है और बिल्कुल भी इचीनेस या ड्राइनेस फील नहीं हो रही है. लाइट लगाकर अब दिखाऊंगी. देखिए ये आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस क्या है फेस में, इस साइड और इस साइड में. सो नाउ आई एम अप्लाइंग बोथ साइड कि जिससे पता चले कि अच्छा है या नहीं है. सो लेट्स
सो यू कैन सी द डिफरेंस. और ये पूरे फेस में सो ये पूरे फेस को कवर कर ले रहा हो और एक क्रीमी टेक्सचर है और फेस में एकदम सेटल डाउन हो जा रहा है. बिल्कुल भी आपको कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, ड्राइनेस नहीं हो रही है. और प्लस इसका मुझे ये लग रहा है कि आप इसे डेली वेयर में थोड़ा सा लगा कर अगर आप कहीं जाते हो तो आप आपको जैसे बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाते हो उसके लिए भी बहुत सही है क्योंकि आपके फुल कवरेज दे रहा है. मेरे तो डार्क सर्कल ज़्यादा थे थोड़े और मेरे स्पॉट भी काफ़ी हैवी थे यहाँ पे. तो यू कैन सी थोड़ा सा उसको हाइड कर पाया है. आई थिंक मुझे ऑरेंज कंसीलर की इसके लिए ज़रूरत है. पहले मुझे ऑरेंज लगा कर फिर इसे लगाऊंगी तो और बेटर रिजल्ट आएगा. बट इट्स डेफिनेटली गुड फॉर कवरेज. आई थिंक ये पूरे फेस को एक कवरेज दे रहा है, एक लेयर सी लग जा रही है जिससे आपका फेस जो डलनेस है फेस की और जो भी डेली कोई भी पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर ले रहा है और इवन स्किन बना रहा है आपके एक न्यूट्रल स्किन. इवन स्किन कहीं डार्कनेस है लाइक मेरे यहाँ पे हेड है, फोरहेड के एरिया में थोड़ी सी पिगमेंटेशन है एंड देन दिस एरिया आई एम ऑल्सो हैविंग पिगमेंटेशन, तो वो इसे क्लियर आउट कर रहा है और एकदम फुल कवरेज इन एंड प्लस फुल कवरेज एंड प्लस एक इवन स्किन दे रहा है, इवन स्किन टोन दे रहा है कि आपका स्किन एक ही टोन में नज़र आएगा. सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा केमिकलाइज हार्श केमिकल नहीं लग रहे हैं जिसका इरिटेशन नहीं है. आई हैव बीन मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट इसे ही अप्लाई किया है ऑन माय फेस बिकॉज आई वांटेड टू सी द रिज़ल्ट कि इरिटेशन हो रहा है. और मैंने कोई प्राइमर भी नहीं लगाया जिसकी वजह से मुझे पता चले कि हार्श केमिकल कैसे वर्क कर रहे हैं. लाइक कभी कभी जैसे ही हम फाउंडेशन लगाने लगे हमें स्किन इरिटेट होने लगती है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग. सो आई थिंक दिस इज़ मेकिंग माई स्किन इवन. सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड कंसीलर के लिए इट्स गुड. एंड आगे अगर कोई भी फीडबैक होगा और अपडेट्स होंगे आफ्टर यूजिंग दिस रेगुलरली, सो मैं इसमें ही मैं अपना एक और वीडियो बना लूँगी. दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज़ अनबॉक्सिंग वीडियो. सो इसे अनबॉक्सिंग की तरह ही ले. सो इफ़ आई गेट सम नॉलेज और गेट सम अपडेट्स कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है आफ्टर दैट और नहीं हुई है तो भी आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन दिस प्रोडक्ट. सो आई 4 out of 5 देना चाहती हूँ. सो लेट्स मीट. सो दिस इज़ माई वीडियो. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.